थोड़े से बच रहे हैं पर ज्यादा देर बचेंगे नहीं। कौन से बच रहे हैं आपको बताइए, सात बच रहे हैं, सात को सात मारना है, एक साथ मारना है, किन को मारना है अभी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे उंगली मारना है देखे, ठीक है, और लाइक कर देना यार। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप ही तो भाईचारा हो, बाकी सब तो मार्केट में मामला फिरोड़ है। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो पाथ टू पेन, पेन देना चाह रहा है बेस हमें, अभी देते हैं हम इसको जरा पेन। पहले देख लो इस बेस के अंदर क्या क्या है। ये डैम सी लग रही है कुछ, इसके अंदर से कुछ गए सीस निकलेगा बहुत खतरनाक सा। दो दो आर्टलरी है इसके पास, डैमेज बहुत ज्यादा है भाई इसके पास। आर्टलरी की तरफ से अपन जाएंगे नहीं, आर्टलरी को क्वीन से निकाल लेते हैं। स्ट्रैटेजिकल अटैक करना पड़ेगा गाइस अब इधर से, क्योंकि दोनों आर्टलरी मिल रही है क्वीन से, तो काहे नहीं क्वीन को उतारा। उसके बाद अपन जाएंगे सीधा स्कैटर शॉट की तरफ से। और इस्तेमाल करेंगे वार्डन का, बहुत सारी इलेक्ट्रो टाइटन निकल के आई है भाई, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इनको तो फ्रीज करना पड़ेगा। और भाई ये तो डैमेज बहुत दे रही है यार, मरी नहीं रही। ऐसे लगे फार्म हाउस निकल गए हैं बहुत सारे। किंग की एबिलिटी दबा देते हैं, इलेक्ट्रो टाइटन को मारना बहुत जरूरी है भाई। रॉयल चैंपियन को उतारने का इसलिए मन नहीं कर रहा कि ग्राउंड स्केलेटन ना निकल जाए, उनका डर लग रहा है। डबल फ्रिज रेज वेज काफी सारी चीज बची हुई है, और बेस में भी अभी थोड़ी बहुत तो जान ही। एक काम करता हूँ, एयर डिफेंस तो उड़ा ही देता हूँ इसका, ये दिक्कत देने वाली चीज एयर डिफेंस है यहाँ पे। आहा निकल गए स्केलेटन्स, निकल गए गाइस, पर आरसी के पास जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास काफी सारी चीजें स्वैग होने के लिए इधर बची हुई है, अभी भी कहीं ना कहीं कोने में कुछ ना कुछ अच्छा नहीं यही था। पहला बेस डेड, अगले को भी छोड़ेंगे नहीं हम। अगला बेस जो हमारे पास मौजूद है इसका नाम है बिल्डर ओ पुलिस, और अच्छी खासी लूट ले रहा है। देखते हैं इसके पास क्या क्या चीज है, डरावना से लग रहा है। तो चार चार आर्टलरी और एक दो तीन चार, चार चार स्कैटर शॉट्स। अरे डरने से क्या होगा, डोंडू अटैक तो करना ही पड़ेगा भाई। भाई 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 भर भर के स्केलेटन ले रखे लोंडे ने, और ग्राउंड भी उतनी है। स्केलेटन से डर लगता है मेरे को, बेस से डर नहीं लगता। आर्टलरी पार्टलरी देख के स्केलेटन निकलते ना, उनसे जान निकल जाती है मेरी। वो देख रहे हो किंग कैसे पागलों की तरह भिड़ा पड़ा है, कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहा बेचारा। अरे स्पेल बेकार कर दी मैंने, अभी बहुत सारे स्केलेटन दोबारा निकलेंगे मेरे को लग रहा है। इधर भी डैमेज अभी बचा हुआ है, निकल रही है वहां स्केलेटन्स, ग्राउंड भी और एयर भी एक साथ। भोर भाई साहब स्केलेटन्स का झुंड देख रहे हो आप, सही है मैंने पॉइजन बचा लिया था। और आखिर तक स्केलेटन स्केलेटन है, यहाँ से तो आर्मी आगे बढ़ ही नहीं पाती अगर पॉइजन नहीं होता तो। और भाई 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 इतने स्केलेटन्स कहाँ से आ गए ये, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना स्केलेटन्स भाई साहब डरा रहे हैं मेरे को। चार चार मम्मी चार, भाई साहब मेरे को तो लग रहा है अभी वापिस से स्केलेटन निकलेंगे जहां पे स्केलेटन्स खत्म ही नहीं हो रहे, कभी ग्राउंड कभी एयर कहीं ना कहीं से हमला होता ही जा रहा है। पांच बेस और बच रहे हैं, और जिस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं ना मार्केट में मामला। और ए ए दबा दो एबिलिटी पहले ही, वो आप ही से झुंड निकल गया था भाई स्केलेटन्स का। अगले बेस का तो कुछ नाम ही खतरनाक सा है, मोनोलिथिक, ऐसा लग रहा है मोनोलिथ निकल सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे। अपन स्काउट स्काउट कुछ नहीं कर रहे, सीधा अटैक।
आर्मी तो है ना अपने पास, 5-6 मोनोलिथ है भाई इसके पास। अभी मेरे को समझ में आ गया इसका नाम मोनोलिथिक क्यों है, ये डेंजरस सा मामला है। इस पे 6 मोनोलिथिक, 2 आर्टिलरी। मोनोलिथ को मोनोलिथिक बोल रहा हूँ डर के मारे में। चलो शुरू करते हैं यहां से, यहां से। वार्डन एबिलिटी तो तुरंत दे दो, वरना तो फिर जान खतरे में ही है। एयर स्केलेटन्स, ग्राउंड स्केलेटन्स, भाई साहब परेशान कर देती हैं ये। या मोनोलिथिक तो आ गए सारे के सारे। अभी भी अपने पास आर्मी बची, आप देख रहे हो इलेक्ट्रो ड्रैगन में दम बहुत है। कैसा बेस हो, कैसा भी बेस हो, आप जस्ट अटैक करना सीख लो, फेल दोगे उसको। मोनोलिथिक पीते कुछ भी हो जाए। और अभी अपने पास आरसी भी बची है, फ्रीज भी बची है स्वैग करने के लिए, पॉइजन भी बचा है स्वैग करने। पॉइजन स्वैग कर देते हैं, फ्रीज को बचा के रख लेते हैं कुछ और। ओ टेस्ला बचा हुआ है एक, इधर एक टेस्ला बचा हुआ है। इधर आरसी उतारते और फेंक के मारते सीधा शील्ड। डेढ़ देसी लगी है एकदम जाके। आखिरी के चार बेस बचे हैं। रेजिंग हेडेक, सिर दर्द करेगा भाई ये। देखते हैं कौन किसका सिर दर्द करेगा बेस को खोल के। हाँ हाँ, ये बेस तो टिक ही नहीं पाएगा एयर आर्मी के सामने जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है। ये दो स्कैटर शॉट है, एक आर्टिलरी है, एयर डिफेंस है, ग्राउंड एक्सपो देखो भर भर के है इसके पास। तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि आर्मी को ग्राउंड एक्सपो से, हीरोज को बचा के रखूं ग्राउंड एक्सपो से। आगे तो परवाह नहीं है किसी चीज की, बट आर्मी को उतारूं किधर से, मतलब हीरोज का डिप्लॉयमेंट समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मेरे को लग रहा है ट्रिकी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपा के रखी होंगी बेस में। कोई नहीं, इधर से शुरू करते हैं। एक तो माइंस और दूसरी चीज होती है स्केलेटन्स। ये दो चीजें ऐसी होती है जिनका पता नहीं होता कि कितनी है और कहां कहां पे हैं। ओ भाई रेजी रेट्स पहले, तभी मैं कहूँ ये इतना ढीला सा क्यों लग रहा है बेस, ये ढीला नहीं है। और वो देखो वहां पे स्केलेटन्स देखो किंग के पास कितनी सारी निकली हुई है एक साथ। अरे बाप रे, 5000 स्केलेटन्स निकल गई हैं किंग के पास। इतने सारे रेज स्पेल है, इन पे ध्यान ही नहीं दिया था मैंने। अभी मैं कहूँ ये बेस इतना कमजोर सा क्यों लग रहा है, इतने सारे रेज स्पेल के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया। कोई नहीं, एक फ्रीज तभी भी अपने पास बच जाएगी स्वैग करने के लिए। पीछे की तरफ चीजें पड़ी हुई हैं जिनको मार ही नहीं रहे जाके यार। ये रह गए ना पीछे देखो, ये इनको क्यों छोड़ दे इन्होंने, डेकोरेशन तो नहीं है, छोड़ के कैसे आ सकती है क्वीन इसको, इनको मारा क्यों नहीं इन्होंने। अरे डेकोरेशन है वो, अच्छा ये चारों डेकोरेशन है ही। मेरे को लगा कि आर्मी कैंप पे इनको मार ही नहीं देते, वही मैं कर रहा ऐसे कैसे छोड़ के आ गए यार इनको। इस बेस पर आके आपको आर्मी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पॉइजन टावर है ना, चार चार पॉइजन टावर, ये आपके इलेक्ट्रो ड्रैगन को बार बार मार डालेंगे। इसलिए इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ आप इलेक्ट्रो टाइटन यूज कर लेना इस बेस के ऊपर। आइए जरा सबसे पहले क्या करना है, जैप मारो, इसको उखाड़ो, को उखाड़ो, एक और जैप मारो, गोन एंड ओह ये जीरो एचपी पे कैसा बच गया। कोई नहीं, बच गया तो इसको भी देख लेंगे। बेबी ड्रैगन अनल बनाने के लिए मेन था उसका आना, क्या कहते हैं उसको, अरे पॉइजन टावर, पॉइजन टावर आ गया तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रो ड्रैगन को थोड़ी सी फनल बना लें दो यहां से। उसके बाद किंग, क्वीन, इलेक्ट्रो टाइटन और ये एंड ये
क्योंकि ग्राउंड स्केलेटन्स बहुत परेशान करेंगे यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रो टाइटन बढ़िया काम करेगा यहाँ पे, और आरसी भी साथ में डिप्लॉय कर देंगे अपन। वार्डन इधर रखेंगे, रेज वार्डन एबिलिटी पॉइजन टावर के लिए। थोड़ी सी आर्मी हमारी भटक गई है पर कोई दिक्कत नहीं है। पॉइजन टावर दूसरी तरफ चला गया, ये अच्छी बात है इलेक्ट्रो टाइटन की वजह से। काम हो जाना चाहिए इस बेस का गाइस। क्वीन भी अंदर आ गई है। ग्राउंड स्केलेटन्स का ओपी तरीके से रिमांड ले रही है इलेक्ट्रो टाइटन। अरे यार वो फट गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है उसका, वो जो नीचे नीचे गाइस खुदाई करते हुए चलती है ना वो मशीन, वो फट गई हमारी, और कोई दिक्कत नहीं है, काम तब भी हो जाएगा। स्पेल भी हमारे जैप वाले सही से नहीं डले थे, वरना ये मल्टी टारगेट इधर वाले भी आ जाता, और वो जो दो मल्टी टारगेट इन्फर्नो उधर बच गए थे वो भी आ जाते। बट भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन से थोड़ा सा मुश्किल है बेस। एक दो बार मैंने ट्राई करा, एकदम हाई परसेंटेज पे जाके फेल हो गया, 95 पे एक बार रुक गया, एक बार 89% पे रुक गया। मैंने कहा हटाओ इसको, जैप मार के उड़ा देते हैं सीधा इलेक्ट्रो टाइटन के साथ। अगला बेस अपने पास जो मौजूद है डिसअपीयरिंग डायलमा, देखते हैं इसमें क्या है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 सात इनविजिबल टावर, पहले पॉइजन उसके बाद इनविजिबल, जहर दे के मारना चाहते हैं मुझे ये। इलेक्ट्रो ड्रैगन इस्तेमाल करेंगे हम सबसे पहले, अगर इलेक्ट्रो ड्रैगन से नहीं हुआ फिर कोई और आर्मी सोच के इसको क्रैक करेंगे, पर पहले अपनी आर्मी। अरे यार ये स्केलेटन से परेशान हूं मैं बस जीवन में, इसके सिवा मुझे कोई दुख नहीं किसी चीज का। धड़ाधड़ इनविजिबल टावर अपना ओपी तरीके से काम करते हुए। धना धन मामला इनविजिबल हो जा रहा है, पर इस बार तो इसकी गद्दी बैठेगी गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। डबल रीज है अपने पास अभी, एक रेज है पॉइजन है, बहुत सारी चीजें हैं स्वैग करने के लिए। इसने तो गाइस सरेंडर कर दिया, कोई और आर्मी सोचनी नहीं पड़ी, स्वैग मार देते हैं, बहुत गंदा इसके ऊपर ध्वस्त है ये मंदा। मार्केट में आग लगा दी, एक बेस बच रहा है बस। अब आखिरी बेस मोमास मैड हाउस, और इसके अंदर बैठा एक बहुत खतरनाक पैक है, जिससे अपनी जान बचाने की अपने को उस जान बचाने के लिए क्या करेंगे। एक इधर पॉइजन टावर को निकल जाने देते हैं और इसके इफेक्ट को थोड़ा कम हो जाने देते हैं, है ना, समझ लो दिमाग से खेलो, इफेक्ट कम हो गया। आर्मी को उतारते हैं, रेज मारते हैं, और ये पैका निकल के आ गया है, इसको फ्रीज मारनी पड़ेगी अपने को, वरना इस सारी दुनिया को फ्रीज कर देगा हमारी। एक और फ्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट है इसी को टेक डाउन करना, पर ये टेक डाउन हो जाए तो फिर समझो आधा काम हो गया, होने वाला टेक डाउन। चलो 0 HP पे जाके खत्म हुआ है बिल्कुल। टाउन हॉल की HP बहुत ज्यादा यार, मर ही नहीं रहा टाउन हॉल, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अटैक भी तो बहुत हैवी है यार, इतने आसानी से थोड़े ना उखाड़ लेगा ये अपने को। अभी तो अपने पास ये भी बचा हुआ है, आरसी की एबिलिटी भी है, क्वीन की एबिलिटी भी है, टाउन हॉल की हेल्थ बहुत है भाई, कमाल है। दोनों अपने पाड़क उतार दिए हमने, क्या नाम था इनका गाइस, बालकों का नाम मैं भूल गया, पर जो भी नाम था उन बालकों ने अपना काम कर दिया। मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा पहन लेता हूँ गाइस मैं विक्ट्री वाला। और यहाँ पे हमने
इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ इस पूरे के पूरे बेस को कर दिया खत्म। क्या नाम इस बेस का? ओबलिन में 270 स्टार मार दिए भाई, नीचे से लेके ऊपर तक सबका रिमांड ले लिया है और इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करें, चलो पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्दी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी और साथ में ध्यान रखें प्यारे बाबू सोना जादू टोना का भी। बाय बाय बाय, लव यू टू।